सोलन शहर में आपराधिक गतिविधियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, चाहे नशे का कारोबार हो या चोरी की वारदात, आए दिन कोई न कोई घटना सामने आती है। हालांकि पुलिस भी इसकी धरपकड़ में कोई भी कसर नहीं छोड़ती है, फिर भी अपराधी घटना को अंजाम देने से पीछे नहीं हटते हैं। ताजा मामला सोलंकी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फेज 2 का है, जहां चोरों ने दिन दिहाड़े करीब 8 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। जानकारी के अनुसार चोरी नौणी विश्वविद्यालय में कार्यरत भूपेंद्र गुप्ता के घर में हुई और भूपेंद्र गुप्ता की पत्नी रेखा गुप्ता इन दिनों बिलासपुर में कार्यरत है। घटना के समय घर में कोई भी मौजूद नहीं था। घटना का पता देर शाम चला जब भूपेंद्र गुप्ता कार्यालय से वापस लौटे। भूपेंद्र गुप्ता ने घर का ताला टूटा देखकर इसकी सूचना पुलिस को दी। भूपेंद्र गुप्ता ने बताया कि चोरों ने घर के अंदर से केवल जेवरों पर ही हाथ साफ किया है, जिनकी कीमत 8 लाख है। वहीं एएसपी सोलन शिव कुमार शर्मा ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पहुंची और जांच में जुट गई है। उन्होंने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और चोर जल्द ही पुलिस के हिरासत में होंगे। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फेज 2 में किसी घर में चोरी का अटेम्प्ट हुआ है, इस पे एसएचओ अपनी टीम लेके गए थे तो स्पॉट पे पाया गया कि ये चोरी जो है मिस्टर भूपेंद्र गुप्ता हैं, जो कि नॉन यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं, उनके घर में अटेम्प्ट हुआ है और उनके घर से कोई नामालूम व्यक्ति जो हैं वो गोल्डन ज्वेलरी चुरा के ले गए हैं। लगभग इन्होंने जो एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई है वो 8 लाख रुपए बताई है। इस पे पुलिस ने 457-380 IPC के तहत केस दर्ज किया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है।